हमारा स्पेशल डे खराब करने के लिए आई एम सॉरी अबीरा, आई एम वेरी सॉरी। तुम पागल हो क्या? आई एम सॉरी। नो आई एम सॉरी। तुम्हारा दादी सर सबका भरोसा टूट जाएगा, हम क्या करेंगे? अबीरा ऐसी मामूली बातों से भरोसा टूटता है तो प्रॉब्लम भरोसे में है, तुम में नहीं। तुम सबसे पहले रोना पड़ता है। मुझे एक बात बता, अंगूठी कैसी भी हो, सगाई कहीं भी हो, फंक्शन में मेहमान हो या ना हो, तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? मुझे भी नहीं। अचानक से अबीरा अरमान को एक टेबल के अंदर खींचती है एंड अरमान तो उसको देख के पहले दोनों को ही एक दूसरे के हो देख कर होश उड़ जाते हैं, बट देन अबीरा स्टार्ट्स क्राइंग और अरमान समझ जाता है कि शायद अंगूठी की वजह से परेशान है। एंड देन शी कीप्स ऑन क्राइंग कि उससे वो अंगूठी खो गई है, सबका भरोसा टूट जाएगा, सब उसे जिम्मेदार नहीं समझेंगे, दिस एंड दैट। मुझे क्या पता कौन है, तुम क्या पूछ रहे हो मुझसे? मैं किसी और के साथ सगाई करूंगा क्या? हम दोनों के ही दो सगाई, एक परिवार के साथ दूसरी क्या काम करेंगे? अबीरा की जो रिंग है वो रूही चुरा लेती है और अबीरा को फंसाने के लिए, उसका नाम ख़राब करने के लिए। तो अबीरा इज़ वेरी टेंस्ड कि सगाई वाला टाइम आ गया है, ऑलमोस्ट अनाउंसमेंट होने वाली है कि अबीरा कहाँ पर है एंड शी डजन हैव द रिंग। एंड वो बहुत ही एक्सपेंसिव रिंग है, 1 करोड़ की रिंग है, जो कि अबीरा के लिए तो बहुत ज़्यादा है। शायद पोद्दार फैमिली के लिए उतना नहीं है लेकिन अबीरा के लिए बहुत बड़ी रकम है वो। तो अरमान उसको कहता है कि कोई बात नहीं, 1 करोड़ की अंगूठी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो अंगूठी तो नहीं आ जाएगी, तुम इम्पॉर्टेंट हो, तुम ठीक हो, चोरों ने कुछ नहीं किया। हाउ अरमान मेक्स अ रिंग फॉर हर कि ठीक है हम दो सगाइयाँ करेंगे, एक सबके सामने एक यहाँ पर, तो कैसे लाइट से एक रिंग बनाता है जो अबीरा को पहनाता है एंड देन अबीरा डज द सेम। सो बहुत ही इमोशनल और एक दोनों का बहुत ही पर्सनल स्पेस है जहाँ पर इतने सारे केओस में, जहाँ पर पूरी फैमिली एंगेजमेंट की तैयारियाँ कर रही है, एक टेबल के नीचे अरमान और अबीरा अपनी दुनिया में रह रहे हैं। सो इट्स दैट सीन। वो उस जुगाड़ में लगा हुआ है कि लोगों को पता भी ना चले कि अबीरा की से रिंग हो गई है एंड एंगेजमेंट भी हो जाए बिना किसी कलेश के, तो अरमान वो जुगाड़ में लगा हुआ है। वेलकम।